हेलो फ्रेंड्स, सरकार ट्रेड्स चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ट्रेड्स चैनल में मैं कौशिक सरकार आज आपको समझाऊंगा क्या मार्केट में जो हम बायर एंड सेलर देखते हैं, कभी भी बाइंग करने जाते हैं किसी शेयर्स को, तो कई सारे यूट्यूबर है कि आपको बोलेंगे कि बायर देखिए सेलर देखिए, कितना बायर है कितना सेलर है, और ये चीज़ कितना हद तक सच है इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा और आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्त, जिन लोग आज फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है हर रोज़ निफ्टी बैंक निफ्टी का पिन पॉइंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब करने के लिए मैं किसी को नहीं कहता हूं, अगर हमारा बातचीत हमारा लेवल हमारा टेलीग्राम चैनल आपको सही लगता है तब जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को जोड़ने के लिए कोई पैसे का जरूरत नहीं होता है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ये सरकार ट्रेडर्स इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फुल्ली फ्री में आपको कॉल दिया जाता है, किस प्रकार का कॉल तो आप देख सकते हैं, थोड़ी देर बाद मैं इसका डिटेल्स दिखाऊंगा, तब तक हम चले जाएंगे चार्ट में। अब चार्ट में कौन सी स्टॉक के ऊपर बात कर रहे हैं, कौन सी कॉल के ऊपर बात कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी थोड़ी ही देर पहले हमने यहाँ पे जस्ट डायल का कॉल आप लोगों को दिया था। ओके, जस्ट डायल का अगर कैंडल दिखाऊं तो कैंडल तो ऊपर कंप्यूटर को ऊपर भी भाग रहा है, मतलब इतना समझ में नहीं आ रहा है कि कहां तक ये कैंडल खत्म होगा। तो ये कॉल आप लोगों को कहां प्रोवाइड किया था, जस्ट देखिए कौन सी टाइम में मैं प्रोवाइड किया था, 2:11 में। ओके, जे 6:38 के ऊपर बाइंग करना, और उस टाइम पे इसका रेट चल रहा था 6:36। हमारा टारगेट 1% इंटरडे के अंदर हम अगर लिमिट लेके 1% लेते हैं तो आपको 10 टाइम लिमिट देते हैं, कोई जगह 5 टाइम लिमिट देते हैं, कोई जगह 2 टाइम लिमिट देते हैं, यानी कि एक दिन में आपका जो प्रॉफिट है वो कहाँ पहुँच जाता है। तो हम देखेंगे इसका बायर सेलर कितना है। तो अभी जस्ट ये बायर सेलर कब घुमा है, जब ये यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। बायर सेलर कब घुमा है, जब ये यहाँ से 50 तक पहुँच गया था तब भी यहाँ पे सेलर ज़्यादा था और बायर कम था। अब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको पहले से ये देख के पता नहीं चलेगा कि स्टॉक भागेगा या नहीं भागेगा। तो इसके अंदर ऐसे कुछ एनालिसिस छुपा हुआ है कि जिससे आपको पता चले कि ये स्टॉक कितनी ज़बरदस्त भागने वाला है, और ये सारे चीज़ हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं उसके अंदर डीपली समझाया जाता है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ आपको 10 मिनट या 15 मिनट के कोई वीडियो के अंदर पूरा चीज़ को मैं समझा नहीं सकता। थोड़ी देर पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे क्या वॉइस मैसेज दिया गया है, ज़रा इस चीज़ को देखिए। अभी निफ्टी चल रहा है 14,047, और थोड़ी देर पहले कहाँ चल रहा था, और मेरा वॉइस मैसेज आप लोगों को क्या गया था, तो यहाँ पर वॉइस मैसेज गया था कि जहां तक लगता है दोपहर के बाद, यानी कि अभी 2:20 या 2:30 लगभग इस टाइम पे निफ्टी में मोमेंटम आएगा, और ये मोमेंटम आपको 14,050-14,060 तक लेके जाएगा, और जो सुबह से जो कॉल देके मैं बैठा हूँ वो कॉल आपको टारगेट होता हुआ दिखेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इस फ्री टेलीग्राम चैनल पे आपको गाइड किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं निफ्टी की बात किया था, क्योंकि मैं निफ्टी का एक कॉल सुबह से आप लोगों को दे रखा हूँ, और आज पूरी दिन मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है, आप सभी लोग देखे होंगे। ओके, और मैं इसमें क्लियरली होल्ड कराया हूँ सुबह से, और एक कॉल क्या था, 14,000 का कॉल, एक 130 पे बाइंग दिया था, और आपको 137 एंड 140 का टारगेट दिया था, जहाँ तक कि मोमेंटम अभी तक आया नहीं, और अभी जस्ट मोमेंटम इसमें आया है, और ये मोमेंटम कहाँ तक जा सकता है ना, 55 को क्रॉस करने के बाद ये 60 के आसपास तक जा सकता है। जैसे 60 पहुंच जाएगा तो हमारा जो एक कॉल आपको दिया हुआ है ये आपको 35 एंड 37 के करीब पहुंचने वाला होगा, उससे ज़्यादा ये कॉल आज के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको भाग सकता है। ओके, तो आई थिंक आपको मैं ये जो मेन चीज़ समझाने का कोशिश किया हूँ। अब देखिए, अब जाके इसमें चेंजमेंट आ रहा है, सॉरी इस कॉल पर नहीं, आपको मैं जस्ट डायल का दिखा रहा था कि जस्ट डायल में जो बायर सेलर, अभी जाके हम देख रहे हैं जी इसके अंदर बायर ज़्यादा हो रहा है सेलर कम हो रहा है। तो हमेशा ये सब कुछ नहीं होता है कि हमें बायर सेलर देख के ही ट्रेड लेना चाहिए, हमें उसके अंदर का टेक्निकल कुछ ऐसे नॉलेज ऐसे टैक्टिक्स आपको पकड़ना चाहिए जहाँ से आप उस स्टॉक के अंदर क्या मोमेंटम होगा ये पहले से पता कर सकें। ओके फ्रेंड्स,
तो चलिए आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छा लगेगा, एंड आगे मैं कोशिश करूँगा मंडे के लिए क्या निफ्टी का सिचुएशन हो सकता है उसका दूसरा वीडियो बनाने का, एंड कैसे आप निफ्टी का मंडे का प्रिकॉशन रख सकते हैं, मंडे के लिए केयरफुल रह सकते हैं, कौन सी स्टॉक कौन सी ऑप्शन प्राइस को बाइंग करके आगे चलना है, इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो जिन लोग ये बायर सेलर का खेल देख चुके होंगे, मैं उनको और थोड़ा सा डीपली यहाँ पे जस्ट डायल का एग्जांपल बताना चाहूँगा कि जो आपने 5 मिनट या 15 मिनट जो भी आप चार्ट एनालिसिस करते हैं उस चार्ट में आप एक अनुमानिक ट्रेंड लाइन, मैं हमेशा निफ्टी के लिए एंड बैंक निफ्टी के लिए भी यही चीज़ बोलता हूँ, अनुमानिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब उस रेंज को मार्क कर लीजिए जो कौन सी रेंज के अंदर ये बैठा हुआ है, जैसी रेंज को ब्रेक होगा आप उसके ऊपर ट्रेड कीजिए, और ये फ्री टिक्स आपको बाकी किसी जगह पे नहीं मिलेगा, ये आप परख के देखना सिवाय सरकार ट्रेडर्स का। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये वीडियो सबको अच्छा लगा होगा एंड आप इसका पूरा पूरा फायदा इस कॉल का उठाए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑनलाइन क्लास का डेटा है, एवरी मंथ 10th and 25th क्लासेस होता है और आपको देखा जाए तो फुल्ली फ्री में क्लास कराया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे बातचीत अच्छा लग रहा है, हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े हैं तो आप अपना सोच समझ के ये सारे काम कर सकते हैं, बेल आइकन दबाएंगे तो इस टाइप का जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।